हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि रिलेटेड होगा आपका एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपका 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज हो चुका है उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका 28 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसमें जो है आप सभी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में जो है काफी सारे कैंडिडेट्स ने जो है मुझे मैसेज करा था, कमेंट करा था। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लास्ट ईयर जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो वो अपनी डिटेल्स को एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर लास्ट ईयर सपोज रजिस्ट्रेशन किया या फिर उससे पहले साल में आपने किसी भी टाइम जो है अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करा था, तो आप अपनी डिटेल्स को एडिट या मॉडिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर आपने जो फोटो अपलोड करा है और वहां पे आपको रीसेंट फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि वही लॉगिन डिटेल्स आप मतलब वही सारी डिटेल्स को जब आप दोबारा अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में अगर आप न्यू वाला रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज ये कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसा बोल रहे हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दे रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो वेबसाइट ओपन करनी है तो कैसे करनी है आपको, इसमें सर्च करना है गूगल में एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, यहां जब सर्च करोगे तो पहली वाली जो वेबसाइट आ रही है bscourses.aimsexams.ac.in, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा था जिससे आप लोग घबरा जा रहे हो कि भाई हमारी वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, ये बैक टू सेफ्टी जहां पर ब्लू बैनर में लिखकर आ रहा है उसके नीचे एडवांस्ड वाला जो ऑप्शन है, एडवांस वाला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देखो लिखकर आ रहा है प्रोसीड टू bscourses.aimsexams.ac.in। ठीक है, अनसेफ है, ऐसा कुछ नहीं है अनसेफ, वो ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो जब वेबसाइट पे फॉलो नहीं हो रहे होते तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस बनकर आता है। तो आपको प्रोसीड टू बीएससी कोर्सेज जहां पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वेबसाइट का जिसका सोल्यूशन था वो यहां पर कंप्लीट हो गया जिसको यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम चेक करते हैं कि वो जो लास्ट ईयर जिन्होंने भी बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है वो अपनी डिटेल्स को एडिट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे। तो आप इस पेज पर जब आ जाओगे तो यहां पर देखो लिखा हुआ है बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड, यहां पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर एप्लीकेंट लॉग इन जोन जो लिखकर आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेंट लॉग इन जोन, इस पर जो है आपको अपनी यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो कि लॉगिन वहां पर कर रहे हो, जो इसके पीछे वाला पेज था वहां पे जाके जो है आप लॉगिन कर रहे हो, तो आपको लॉगिन यहां से करना है एप्लीकेंट लॉगिन जोन से। ठीक है, तो मेरे पास किसी की जो है आईडी है तो वो मैं यहां पर उससे लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, तो इस आईडी से जो मैं लॉगिन कर लेता हूं और यहां पर जो है कैप्चा कोड एंटर कर देता हूं। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं डिटेल्स डालने के बाद। ठीक है, तो ये आप जो भी कैंडिडेट हैं आपका यहां पर सारे जो लॉगिन पोर्टल है वो यहां पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिस कैंडिडेट का है उसका ओपन यहां पर हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह वो सारी यहां पर लिखकर आ जाएंगी जो आपने लास्ट ईयर में फिल करी थी या 2020 में करी थी जब भी आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना किया था। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। अब आप यहां पर नीचे देख सकते हो ड्यू स्टेप्स लिखकर आ रहा है, यहां पर अपलोड इमेजेस डन आ रहा है, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डन आ रहा है, सब कुछ यहां पर डन है क्योंकि आपने पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन नीचे आ रहा है एडिट का, एक आ रहा है प्रोसीड का। अब आपको एडिट पर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहां पर एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि पहले आप नेशनलिटी यहां पर एडिट कर सकते हो, जैसे इंडियन है तो ओसीआई, मतलब जो भी एडिट करना है। ठीक है, अपने नेम की कोई स्पेलिंग वगैरह गलत है तो वो सारी चेक कर लेना, वो एडिट कर लो। ठीक है, फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है तो वो एंटर कर लो। फिर उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ये पूछे थे कि हमें अगर कैटेगरी एडिट करनी होगी तो कैसे करेंगे, तो आप देखो कैटेगरी भी एडिट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि लास्ट ईयर हम जो है जनरल में थे, इस साल हमने जो है अभी ईडब्ल्यू से करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हम बनवा लेंगे या हम बनवा चुके हैं, तो यहां पर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट हो रखी है तो मैं इसको जो है ईडब्ल्यूएस कर देता हूं। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस कर दी, ईडब्ल्यूएस कर दी, तो इस तरीके से आपको कर देना है। क्लियर है? ठीक है,
तो जो जो चीजें आपको मतलब यहां पर करनी है, फिर आईडी प्रूफ वगैरह ये सारी चीजें तो आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। फिर नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आ जाओगे, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ये भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये आपको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, किसी कैंडिडेट की आईडी है इसलिए, लेकिन मैं आपको जो वर्बली बोल रहा हूँ तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा एडिट कैसे करना है, ठीक है। तो जो जो डिटेल्स आपने डाली थी लास्ट ईयर, वो सारी डिटेल्स आप यहां पर एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद जो है लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन पे टिक लगवाएगा, ठीक है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फील्ड इन द फॉर्म इज ये करेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद, टिक लगाने के बाद जो है आप जो है अपडेट पर यहां क्लिक कर दोगे। समझ आ गई बात, क्या कर दोगे, अपडेट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो मैं इस डिटेल्स को एक बार चेक कर लेता हूं अगर मैंने कोई डिटेल यहां पर मॉडिफाई करी है, ठीक है। तो मैंने जो यहां पर कोई डिटेल मॉडिफाई नहीं करी है, वैसी की वैसी एग्जैक्टली सेम है। तो मैं डिक्लेरेशन पे ये करके अपडेट पर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये दोबारा से अपडेट हो गई। उसके बाद जो है अब आप लोगों का कहना था कि ये तो देखो बेसिक हमारी डिटेल्स एडिट हो गई। अब मान लो किसी को अगर फोटो अगर अपलोड करने मतलब एडिट करने हैं, तो यहां पर जहां पर देखो ये ग्रीन कलर में लिखकर आ रहा है बेसिक डिटेल्स, अपलोड इमेजेस और प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको अपलोड इमेजेस पर यहां क्लिक कर देना है, ठीक है। अपलोड इमेजेस पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आओगे, ठीक है, नीचे जब आओगे तो आपके पास ये चूज फाइल का ऑप्शन फिर से आ जाएगा। तो यहां पर आप अपनी फाइल जो है, और देखो फोटो जो है बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में यहां पर अपलोड करना। आपको अगर नहीं पता है कैसे करेक्ट फॉर्मेट में अपलोड करनी है, तो मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो, उसके लिए वीडियो का जो लिंक है वो मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में। तो उस वीडियो को पहले अच्छे से देखना कि फोटो को रिसाइज कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, उसके बाद ही यहां पर तीनों चीजें जो है आप अपलोड करोगे, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर और अपना लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या करोगे, वहां से जाकर चेक कर लोगे, उनको उसी फॉर्मेट में बनाओगे, उसके बाद यहां पर एक एक करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो जो यहां ऑप्शन लिखे हुए हैं, बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट है, फोटोग्राफ इज नॉट ब्लर्ड, इन सब डिक्लेरेशन पे टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जो है आप लास्ट में यहां पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उस सबमिट के ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। समझ आ गई बात, सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी मतलब प्रिंट बेस वो जब आप कर लोगे, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको अगर एडिट करनी है वो कर लो, मतलब जो कैटेगरी हो गई, आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का नंबर, कुछ भी अगर एडिट करना है, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें एडिट कर सकते हो, मैंने बता दिया। दूसरी चीज ये डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है दोबारा से, यानी कि फोटोग्राफ दोबारा अपलोड करना है, साइन सिग्नेचर जो है वो दोबारा अपलोड करना है, तो वो आप अपलोड इमेजेस पर क्लिक करके जाकर कर लोगे, ठीक है। वो सारी चीजें सबमिट करने के बाद जो ये आपकी डिटेल्स दोबारा से सारी मतलब फाइनली एडिट हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। वहां पहले वाले सेक्शन में पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कर देना, सेकंड वाले में जब इमेजेस पर जाओगे मतलब जो क्या बोलते हैं अपलोड इमेजेस का ऑप्शन आया था वहां पर जाके भी सबमिट कर देना, फिर आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो अपडेट यहां पर हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जो यहां पर प्रिंट वाले पे जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, जो तीन ऑप्शन आ रहे थे अभी, तो वो जो है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो है दोबारा से एडिट होकर यहां पर आ जाएंगी, और इसको जो है आप प्रिंट करके मतलब प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। समझ आ गई बात, और इसको प्रिंट निकलवा के भी आप रख सकते हो चाहो तो। तो इस तरीके से जो है आपको कंप्लीट अपना फॉर्म एडिट करना है, जो प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप आपका आपकी वाली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली मिल गया होगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं, वहां पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते तो मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में है, ठीक है। कहां पर है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेल आईडी देख सकते हो। समझ आ गई बात, तो ये जो है इससे रिलेटेड आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और भी कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो भी आप बता सकते हो, अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे कि काफी सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछे थे कि आरयूसी कोड कब जनरेट करना होगा, तो वो सारी चीजों का अपडेट जो है मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा जैसे ही मुझे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मैं बिना किसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई आरयूसी कोड जो है इस तरीके से जनरेट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो चुका है, तो तभी मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई आरयूसी कोड जो है इस तरीके से आपको जनरेट करना होगा। फिर वो आप वीडियो देख लेना और उसके बाद अपना आरयूसी कोड जनरेट कर लेना। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो सारी चीजें भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है। बाकी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, सिलेबस के बारे में, सीट्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में, जितनी भी सारी चीजें हैं और उसकी जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वो भी आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, क्लियर है। तो इस वीडियो में अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।